ऐसा प्रेम का परिभाषा कोई नहीं बोल सकता, मैं भी दम नहीं रखता, और बोल जो बोलता है वही मूर्ख होता है। इसके लिए नारद भक्ति सूत्र बनाया गया, वही कई कई सारे प्रवचनों में नारद भक्ति सूत्र को एक्सप्लेनेशन भी किया, लेकिन जितना बार किया मुझे लगा कि मैं मूर्ख। प्रेम संदेश, आनंद मीमांसा और भक्ति योग गीता में, अब देखो कृष्ण भगवान प्रेम संदेश गीता के आखिरी में दे देते हैं। पहला 6 अध्याय कर्मयोग, दूसरा 6 अध्याय राजयोग, 6 6 हो गया 12, फिर 6 हो गया 18, आखिरी आखिरी में भक्ति योग का बात बता रहे हैं। राजयोग और ज्ञान योग को बीच में रखते हैं। यानी अगर आप कर्म करना चालू करोगे, कर्म योग करना चालू करोगे, तो आप प्रेम और भक्ति योग में आखिरी में पहुंचोगे। बिना कर्म का प्रेम संभव नहीं। कर्म क्यों करोगे? बोले जितना ज्यादा कर्म करोगे, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, उतना ज्यादा आपको लोग प्यार करने लगेंगे। आप फिर डिमांड नहीं करोगे मुझे कोई प्यार करे। और जितना ज्यादा कर्मयोग होने लगेगा, उतना शुद्धता, चित्त शुद्धि करे धामा कर्मयोग सर्पा, ऐसे ऐसे बताया गया। कर्मयोग से क्या होता है? चित्त शुद्धि। कर्मयोग में कुछ मुक्ति उक्ति का बात नहीं बताया यहां। कर्मयोग से वो आपका चित्त शुद्धि होने लगेगा, शुद्ध, फिर बुद्ध होने लगोगे, ज्ञान योग आएगा, राजयोग आएगा, फिर भक्ति योग, प्रेम तक पहुंचोगे। ये प्रोसेस है। आपको मैं बता दूं कि आप सोनो बोरो प्लस फेयर एंड लवली लगा दोगे और आप सुंदर हो जाओगे, आप लोग को देखेंगे? नहीं देखने वाले। अब देखो एक कुछ कोई फिल्म का हीरोइन है, अब उसके पीछे नाचने वाले और सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन वो हीरोइन है क्या? है ज्यादा एक्टिंग करने जानती है? एक्टिंग को देखते हो? नहीं, उसके अंदर रहने वाला ऊर्जा शक्ति, और वह शक्ति कौन सी? आध्यात्म। हमेशा याद रखना, हर शक्ति आते हैं और चले जाते हैं। शारीरिक शक्ति, व्यायाम कर लिया, जिम कर लिया, कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसे ही मानसिक शक्ति, कब ध्यान वन कर लिया और कुछ थोड़ा सा मानसिक मेंटल प्रैक्टिस कर लिया, फिर चले जाएंगे, फिर डिप्रेशन भी आ सकता है मन में। लेकिन एक शक्ति नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, वह एक सप्ताह, एक शक्ति कदाचित कभी भी नहीं जाता। मैं यहां तक देखा हूं 80 90 साल का बूढ़ा सन्यासी बच्चा जैसे मुखमंडल, क्या है? आध्यात्म शक्ति में धनी, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर। मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं या मेरा बात 100% करेक्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आप यहां बैठे हो और आपके धरातल से लेके इन बातों को कह रहा हूं। आप अपना बीबी रखे हो, ठीक है, तो शारीरिक प्रेम, मोह, मोह है मेरा बीबी, मेरे बच्चे, उससे ऊपर स्नेह, मेरा बेटा, मेरा बेटी, और उससे ऊपर प्रेम, और उसे ऊपर परम प्रेम रूपाच नारद भक्ति सूत्र सहभक्ति, भक्ति, भक्ति, अब सोचो विभक्ति, अभक्ति, अनन्य भाव, मई और वो भिन्न नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना वो ईश्वर कितना दूर में हो, मई कितना दूर में हूं, तो ऐकैक्य भाव। ये जो प्रेम भावापन्न है, अब आप बोलोगे कि मेरा पत्नी से मेरा प्रेम का रिश्ता नहीं बन पाता, यही कह रहे हो? क्योंकि आपका पत्नी आपको इतना मेंटली शाब्दिक बाण चला चला के आपको दुखी कर दिया, आपको कष्ट दे दिया, कि आज एक नजर प्रेम का दृष्टि देखने के लिए आपके अंदर जीव नहीं जाता। यही तो सच की झूठ, सच है, ठीक है? फिर क्या, दूसरा बीबी ले आओगे? फिर दूसरा बीबी भी वही करने वाला, तीसरा बीबी ले आओ, तीसरा भी